कश्मीर बन चुका है। अगर आप देखें पिछले 2021 का अगर मैं अगर डेटा आपके सामने लाऊं तो हमारे कितने नौजवान जो आर्मी के नौजवान हैं वो शहीद हो गए। वो इसलिए शहीद हो गए क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी है वो आज जो है बीजेपी के हाथ में है और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, हमारे फौजी नौजवान जो रूरल एरिया से गाँव से जाते थे, नौकरी करते थे, 15 साल पेंशन लेते थे, अपने बच्चों के लिए जो उनको है बेनिफिट्स मिलते थे, आ जाएगा तो ये एक देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो है बीजेपी सरकार खेल रही है और ये बहुत गलत कर रही है। क्योंकि मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि अगर आप इनको रिक्रूट कर रहे हो 25% को ही रख रहे हैं और बाकी जो 75% है उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है मैं पूछना चाहता हूँ। तो सिर्फ हवाबाजी, हवा हवाई पेपर्स में काम हो रहा है। अगर आप ग्राउंड में देखो तो किसी को नौजवान को जो है नौकरी नहीं मिल रही है। ऊपर से महंगाई की जो मार है वो आप देख सकते हो। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो जो आज दूध है या फिर आटा हो गया, चाहे दाल होगी, घी हो गया, हर एक आइटम जो फूड इन्फ्लेशन है वो आज पीक पे है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी सरकार जो निकम्पी सरकार है इसे हमें हटाना चाहिए, यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एलजी साहब नहीं है हमारे, ये वाइसराय हैं। ये वाइसराय जो अंग्रेज जैसे हमारे ऊपर हुकूमत किया करते थे आज से 200 साल पहले, ये वैसे ही कर रहे हैं। बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं और वहीं घूमते हैं। इनको कोई पता नहीं लोगों का दुख दर्द कि लोग आज क्या फेस कर रहे हैं, यूथ आज क्या फेस कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू रीजन की सिक्योरिटी इनसे अगर नहीं संभलती है तो एलजी को रिजाइन देना चाहिए। होम मिनिस्ट्री से कहना चाहूँगा, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, अगर आपसे जम्मू रीजन नहीं संभल रहा है तो एलजी साहब को रिजाइन कराओ और कोई नया यहाँ पे इंस्टॉल करे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, हमारे महाराजाओं की स्टेट थी ये, बहुत ही पुरानी स्टेट थी, एक हमारी कल्चरल आइडेंटिटी थी, एक हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उन्होंने मिटा दिया। तो मैं जोरदार तरीके से कहना चाहूंगा कि हमें वापस हमारा जो स्टेटहुड है वो वापस दिया जाए। शुक्रिया, जय हिंद।